कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हमारी सब आठ की संभाषा शुरू हो गई है। 14 अक्टूबर का दिन है। सब लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कल बहुत सारे लोगों का एमडी का एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए बहुत सारे लोग एबसेंट रहेंगे आज और कल मॉर्निंग के सेशन में। तो डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप शायद विशाखापट्टनम में हैं। डॉक्टर सतबीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जी डॉक्टर, नमस्कार। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक पेशेंट है मेरा 65 ईयर ओल्ड जी, और इनको L4 L5S1 है जी, 8 साल से है जी, और इनको रूखापन है। जो संप्राप्ति मिली है वो ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा है जी, और वात कफ की दुष्टि है और काम इनका चलने का ज्यादा है। दही ज्यादा सेवन करते हैं, वेगों का धारण भी करते हैं, और इनको पेन रहता था कमर में और नीचे साइटिका वाला दर्द था, थाई से, बटक से और लेग की तरफ जा रहा था नीचे। तो सर मैंने इनको स्वेदन वगैरह करा के, दीपन पाचन करा के, फिर उसके बाद सहचर आदि की बस्ती दी है जी। और सर इसको करीबन 7 दिन में नीचे वाला जो दर्द जा रहा था साइटिक वाला, इनको मैंने रक्त मोक्षण भी किया है और अग्निकर्म भी किया है जी, तो ये तो ठीक हो गया है। लेकिन वो अभी पेशेंट बताते हैं कि मुझे खड़े होने में थोड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता। और इनको सर मैंने जो मेडिसिन दी है वो व्रतवा, चिंतामणि रस, सिंहनाद गुगल, दसमूल काढ़ा, राशनाधि, चित्रक, सूर्यशेखर, थोड़ी गर्मी बता रहे थे, पेट भरा भरा रहता है, और वातारी, और अभी कमजोरी बता रहे थे तो मैंने सिद्ध मकरध्वज ऐड किया है। तो सर इसके अलावा मैं कुछ और कर सकता हूँ जो फास्ट रिजल्ट में? लेकिन महाविषगर्भ तेल का बस्ती देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महाविषगर्भ, महाविषगर्भ। और दूसरा बात है कि आप आदरणीय नवीन जोशी सर का मर्म तो सीखे ही होंगे।
हाँ जी, मर्म चिकित्सा भी करता हूँ मैं। तो मर्म का आप करिए ना, मर्म को प्रेस करेंगे तो फायदा होगा। हाँ जी, बस सर ये महाविष गर्भ का ही चलाऊँ, मेडिसिन सही है? बाकी सब दवाइयां तो ठीक है आपकी। महाविष गर्भ दल में क्या होता है कि 100 में से एक पेशेंट को लूज मोशन हो सकता है। आपका पेशेंट का पित्त प्रकृति है तो महाविष गर्भ सूट करेगा कि नहीं आप देखिएगा। एक दिन देखे देखिए लूज मोशन अगर हुआ तो आप शीम मलाई का यूज करिए। छह अगर बड़ा लूज तेर की बस्ती, मोशन नहीं हो रहा है तो फिर महाविष गर्भ तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। नमक डाल के वही। हाँ, और दूसरी बात है कि तिक्तक शीर बस्ती देंगे तो रिजुवनेट होगा सारे सेल्स। तो तिक्त शेर बस्ती यहाँ मिलती नहीं है, ऑयल मिलता नहीं है। मल्टी अच्छा बनाना पड़ता है, मिलेगी नहीं, बनाना पड़ेगा। तिक्तक शीर बस्ती नाम सुना है आपने? नहीं सुना ना मैं सर। पटोल चूर्ण है, पटोल चूर्ण है, यष्टि अच्छा मधुर अच्छा है, हाँ गुड़ुची ठीक है है, ठीक खिराती, है जी उसको दूध में पका के सिद्ध जी करके फिर उसमें गूगल तिक्तक घृत या महातिक्तक घृत डाल के और उसका बस्ती देना है। ठीक है सर। नियर बाय है सर यहाँ पे, जैसे ये है वैद्य जी हैं यहाँ पे, ये या चलिए कोई और जो बता दें एक बार मुझे बता बनाना। प्रशांत भट्ट जी आप बताइए सर, तिक्तक शीर बस्ती देते हैं भट्ट साहब? बड़े पांदे वाले मोस्ता। सर दीजिए, कोई और अच्छा बताना? सर एक एक और हाँ मैं एक और है। ये है 19 साल की एक लड़की है, दीपा नाम है ये। इसको 2020 से सर लेफ्ट लेफ्ट ओवरी बल्की है और हेमरोगिक है, सिस्ट 2.2 × 1.7 cm CM। तो इसको इनको पीरियड सही से नहीं आते हैं, बीच में रुक रुक के आते हैं, कम आते हैं, एक दिन का पीरियड आता है, और पेट में दर्द होता है, और ये बाहर का बहुत खाते हैं सर, तो आप वो सब बंद कराइए ना, क्यों खाती हैं बाहर? तलब तलब होना, वो मैंने बंद करा दिया है प्रेजेंट में। इनको रज प्रवर्तनी वटी दे रखी है सर, कचनार गूगल है, वृद्धि वाटी का वटी है, और चित्रक चित्रक वटी है, एरंड हरिति की, पेट साफ करने लिए पेट, इनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, दस मूल क्वाथ है, पशु धनवरस ये दे रखा है। तो इसको कुछ जैसे कर रेगुलर देते हैं, एक 1 मंथ दिया, फिर उसके बाद ये छोड़ देते हैं, जैसे छोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों छोड़ती हैं वो? और वो कहते हैं कि ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, ऐसे बोलते हैं। नहीं, उनको बोलिए कि अगर पूरा ठीक होना है तो फिर आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। कितने दिन का है सर अगर उनको कंटिन्यू बोलिए करनी है कि तो? हो सकता है 1.5 साल तक लेना पड़ेगा, 1.5 साल तक। और कंटिन्यू लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसमें कुछ सर मेडिसिन में कुछ ऐड इसमें करना है? मात्रा बस्ती अगर देंगे सहस्त्राधि तेल तो जल्दी फायदा होगा। जल्दी ठीक करना है तो आप इसमें आप ये दे दीजिए, द्रव्याद रस दे दीजिए, आरोग्य वर्धिनी चंद्रप्रभा वटी, कुबेराक्ष वटी, मांस पाचक, मेदो पाचक, पुष्प धन्वा रस, जल्दी रिजल्ट आएगा। बस्ती का मास का ज्यादा अच्छा तेल, जी, सहचर तेल का। सहचर तेल जी। हाँ अच्छा सर एक एक दूसरी जो पेशेंट हैं हाँ वो हैं, फोलिकल है उनको, राइट ओवरी में फोलिकल है, 18 × 18 की है, और इस इनका सर्विसाइटिस है। तो सर इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी पेशेंट मेरे पास में 4 दिन ही हुए हैं इसको आए हुए, और इसको मैंने वृद्धि वटिका वटी, कचनार गूगल, चित्रकारी वटी, अरिंधरित की, दस मूल क्वाथ और रज प्रवर्तन वटी, इसको 3 3 मंथ के बाद में पीरियड्स आते हैं, और इनको राइट लेफ्ट हैंड की तरफ जो हमारी ये जहां हम बेल्ट बांधते हैं इससे ऊपर यहाँ पे हड्डी कुछ नहीं है एरिया में, इसमें दर्द होता है करीबन पिछले 4 से 5 साल से। तो इन्होंने कोई बड़े से बड़ा यहाँ हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है, तो इसको आराम नहीं मिला है। तो मैंने सर पहले ये मेडिसिन मैंने बाद में दी है, पहले मैंने उनको 2 दिन का, पहले दिन उत्तर बस्ती के लिए बोला और सहचर तेल की उत्तर बस्ती दी है, और सेकंड में मैंने क्षार काशिश तेल की बस्ती दी है। तो सर दूसरी क्षार काशिश तेल की बस्ती लेने के बाद ही इनको पेन बंद हो गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आपने कहा कि 3 महीने के बाद मेंसेज आते हैं, तो आपने जब उत्तर बस्ती दिया तब मेंसेज आए थे आगे पीछे? नहीं वो तो अभी अभी हुआ है, अभी तो आगे आएगा जब पता चलेगा, अभी मैंने मेडिसिन ये चलाई है और ये तो पेन के लिए। आपने
उत्तर बस्ती कैसे दिया जब वो मेंसेज ही नहीं है तो इंटरनल लॉस तो बंद होता है, आपने बस ऊपर से डाल दिया अंदर हाँ, ऐसे दिल ऐसे ही दिलवाया, उनको पेन बंद हो गया। हाँ तो आपने बस ऐसे डाला लेकिन ऑस बंद है, आपने डाला वायु प्रतिलोमित हुआ अनुलोमित हुआ और आपको ठीक लग गया, ऐसा हो गया। अच्छा तो ये इसमें क्या क्या करूं, क्या मेरा सही था या? मेंसेस के बाद 5 दिन तक इंटरनल लॉस जो रहता है वो खुला रहता है, तब उत्तर जी बस्ती किया जाता है। यहाँ सारे लोगों को पूछे उत्तर बस्ती जी आपने दिया योनि मार्ग से दवाई दिया, वो गया और वापस आ गया तो पेशेंट को फायदा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा था, मुझे इसके बारे में, उत्तर बस्ती के बारे में कोई खास पता नहीं है। हाँ ठीक है। और जो वो आप बोल रहे ना हार्ड लग रहे थे, वहां पे रक्त मोक्षण करिए ना, रक्त कहाँ पे मोक्षण सर? जहां पे आप बोल रहे हैं कि बेल्ट पहनते हैं उसके ऊपर गांठ लग रही है। गांठ नहीं है सर, वो तो वहां पे दर्द होता है उनको, लेकिन उसमें कोई गांठ नहीं है, ऐसी कुछ ऐसा कुछ है नहीं, पर उस जगह पेन होता है। तो डॉक्टर उन्होंने बोला है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको स्टोन है, तो उन्होंने स्टोन का कराया, स्टोन निकली नहीं है, तो उन्होंने उनको जो है ना ये निकला है, सर्विसाइटिस निकली है, राइट ओवरी फोलिकल, ये तो साइज फिर उनका आप साइज ही रहा बस। सर्विसेटिस है तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, AKT सूक्ष्म त्रिफला। त्रिफला सर, हाँ सूक्ष्म त्रिफला नहीं है मेरे पास, सूक्ष्म मैं भेज दूंगा। और दूसरा बात है कि आप त्रिफला सर। तेल का या काढ़े का बस्ती दीजिए ना, पेन कम हो जाएगा, जो पेट में गैस है ना निकल जाएगा। दस कौन सी काढ़े के दूं मैं सर? 10 मूल, मूल काढ़े का बस्ती दे दीजिए। 10 मूल ठीक है सर। और सर एक दिन बस काढ़े सर, का एक दिन तेल का, सहचरादी तेल वाला कौन सा सर? तेल ये का दे दीजिए। हाँ सहचरादी, सहचरादी ठीक है सर। 10 मूल सर, 10 मूल का कैसे देना है डायरेक्टली? 10 मूल में कुछ मिक्स करना है या 10 मूल के काढ़े को डालिए, उबाल के? ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, हमें तो अब वायु को निकालना है ना, डायरेक्ट भी डाल, लेकिन उसमें शतपुष्पा वचा या फिर आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐसे डाल के दे सकते हैं। जैसे 10 मूल का उबाला काढ़ा, उसको छाना, उसमें बच्चा का पाउडर डाला और सेंधा नमक डाला, और ठंडा होने पे ठंडा उसकी नहीं, बस्ती दे दी, लुकवॉर्म चाहिए, थोड़ा सा गर्म लुकवार्म, चाहिए। गरम, गुनगुना, सहन करने लायक नहीं जी, बस जी हाँ इतना करके देखिए, 1-2 दिन फिर बताइए, ठीक है सर। सर सूक्ष्म त्रिफला नहीं है मेरे पास में, वो आप वो मैं प्रोवाइड भेज हो जाए दूंगा। तो सर्विस सेटिंग एकदम 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, या अभी ठीक है कमर्शियल सर के मैम है ना, इन्होंने बहुत सारे यूज किए हैं सर्विस सेटिंग में। जी सर, और सर जी सर जी तिक्तशीर बस्ती के बारे में किसी से पूछना है ना, कौन जी बताएगा? शशि तिवारी मैम आप बताएंगी तिक्तक्षीर बस्ती के बारे में? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ मैंने अभी दिया था आपके घर पर एक पेशेंट को तिक्तक्षीर बस्ती, तो सर तिक्तक्षीर जी बस्ती बनाना है तो देख लो, जी वैसे साइन सिम्टम क्या है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा है तो वासा यूज करो, वरना तो आप गिलोय ले लीजिए और यष्टि मधु ले लीजिए और चिरैता ले लीजिए और तिक्तपटोल ले लीजिए, ये आप पूरा मिला करके 15 ग्राम ले लो, मतलब 3-3 ग्राम, 3 से 4 ग्राम के आसपास आप ले लीजिए, टोटल 15 ग्राम आपने ले लिया। इस चारों पंद्रह की ग्राम मात्रा को टोटल मात्रा 15 ग्राम हुई सर, 3-3 ग्राम आपने जी यकृत चूर्ण लिया इसका, ठीक है? देखिए जी गिलोय है मतलब अमृता हो गया, तिक्त जी पटोल हो गया, चिरायता हो गया और यष्टि मधु, ये 4 चीजें हैं। जी नींबू वगैरह भी लेते हैं कभी कभी और वासा भी जी लेते हैं, लेकिन ये जो 4 मैंने आपको शुरू को बताया थे, ये जो तिक्त जी द्रव्य ऐसे हैं अपवाद है, मतलब इनका कोई मतलब अवृष नहीं है, वृष भी है, तो इनको अगर आप देते हो तो आपको दिमाग में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये चीजें। फिर ये जी योगपुर चूर्ण लिए, चूंकि ये 15 ग्राम होता है तो इसको बहुत तेज आंच पर नहीं रख सकते हो, बहुत धीमी आंच पर रखें और 2 कप पानी में इसको बढ़िया से काढ़ा बना लीजिए, मैंने जैसे बनाया था जी मैं अपना तरीका बता रही हूँ। फिर काढ़ा बनाने के बाद में 1/4 बचेगा तो इसमें जी आप 120 ml, 1/4 मतलब इतना बचना चाहिए, एटलीस्ट 60 ml आपके पास आना चाहिए। फिर 120 ml इसमें दूध डालेंगे और दूध डाल करके आप फिर से पाक करेंगे, थोड़ा सा फिर जी से पका लीजिए और दूध में सॉरी वो जो काढ़ा बनाया था ना उसको छान लीजिएगा, उसको मैंने छान लिया जी था, छान करके तब मैंने दूध डाला था, तो दूध डालकर वो थोड़ा सा पका लिया था। फिर मैंने इसमें, मेरे पास उस टाइम कोई अच्छा वो नहीं था दूसरा ऑप्शन, तो मैंने ब्राह्मी घृत डाला था, आप अकॉर्डिंग टू डिसीज डाल सकते हो, जैसे फीवर है तो महातिक्त घृत डाल लिया, इस तरह की चीजें हैं, और मतलब इसे बोन्स पर्पस के लिए यूज कर सकते हो तो उसमें महातिक्त घृत और लाक्षा घृत वगैरह ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, मतलब जिस तरह की बीमारी है उस हिसाब का एक घी या स्नेह इसमें पड़ेगा, 5 से 10 ml आप डाल सकते हैं पेशेंट का। और तिक्त क्षीर बस्ती देते हो तो एक चीज का हमेशा ख्याल रखिये सर कि दीपन पाचन बहुत अच्छे से करके देना है,
और हमेशा जो उसका तिक्तक्षर बस्ती का द्रव्य जो आप दे रहे हो वो सुखोष्ण होना चाहिए, अदरवाइज बस्ती व्यापक होने के डर होते हैं। तो आपने सब मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद में आप जैसे मात्रा बस्ती देते हैं अनुवासन वाली अपनी 120 ml के आसपास आपने बनेगा, छिरा से स्पार्क करा है तो फिर इसको दे दीजिए पेशेंट को, बस और कुछ नहीं है इसमें खास। थोड़ा सा बट ये तिक्तक्षर बस्ती हर जगह काम करती है, मतलब बोन की प्रॉब्लम है तो बोन के हिसाब से आप घी सेलेक्ट कर लीजिए। किसी को क्रॉनिक फीवर है, जैसे हल्का हल्का फीवर बॉडी में बना रहता जाता नहीं है, तो वहां पर आप महातिक घृत वगैरह इस तरह के घृत वगैरह प्लान कर लीजिए। अगर अपस्मार वगैरह है तो पंचगव्य घृत वगैरह प्लान कर लीजिए। मतलब जिस तरह की बीमारी आप उस हिसाब से इसको दीजिए और लंबा दे सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, वीक में 5 दिन दे दिया, सैटरडे संडे ऑफ कर दिया, फिर अगले हफ्ते ऐसे ही 2-2 दिन का गैप दे करके हर हफ्ते देते रहिए। तो इसको आप सालों भी दे सकते हो, पाठक सर ने भी कई बार बताया है, सर का लेक्चर भी है PDF पर ही, तो आप सुन लीजिएगा आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि मतलब किस बीमारी में मैं कौन से घी को या कौन से स्नेह को सिलेक्ट करूँ। जी ठीक है सर। और जी इसमें कोई ये भी नहीं होता कि हमें इंतजार करना पड़ता है किसका होना चाहिए, मतलब आएगा, तो इसके लिए ये भी मैंडेटरी नहीं होता, मतलब OPD में भी दिया जा सकता है इस जी तरह की बस्ती है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ अभी आपने बताया ना बहुत अच्छे तरीके से, तो इसमें मैम हम पंचतिक्त घृत भी ऐड कर सकते हैं कभी कभार, ये अपना हाँ शिरपा करने के लिए तैयार नहीं ले रहते पेशेंट, तो हम जैसे तेल बनाते हैं अस्थि मज्जा पाचक तेल वगैरह, वैसे ये पंचतिक्त क्या क्वात करके उसमें तिल तेल सिद्ध करके उसका तेल बनाकर भी पेशेंट को एज ए बस्ती लाइक देते हैं। मैं पेशेंट को तो ऐसे ट्रीट करती हूँ मैम कि पहले 15 दिन दीपन पाचन अच्छा हो, पेशेंट का ग्रहणी अच्छा करना, उसके बाद पेशेंट को विरेचन या निर्वो कैसे रखते, पेशेंट कैसा वात का कैसा है उससे, उसके बाद विरेचन, और विरेचन में के पहले थोड़ा सा मात्रा बस्ती स्टार्ट करती हूँ। मात्रा बस्ती 1 महीना होने के बाद पेशेंट को हम क्वात की, आपने जो बोला ना अभी, वैसे क्वात की बस्ती देती हूँ, और क्वात की बस्ती 15 दिन होने के बाद अपना जो ये शिरपा कल्पना है भ्रूहणिया, क्योंकि शोधन भी थोड़ा सा रहना चाहिए, आम की संचिति होती है वो भी कम होनी चाहिए, और पेशेंट को दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पंचतिक्त घृत रहता है वो मैं 2 महीने पेशेंट को चलाती हूँ, और खुद पेशेंट को बनाने के लिए सिखाती हूँ, तो पेशेंट घर पे लेता है, और जो चूर्ण रहता है वो हमारे पास से हम दो, और अस्थि मज्जा पाचक वटी लाक्षादी ये हम कॉन्जर्वेटिव शमन चिकित्सा उसमें दे सकते, लेकिन पेशेंट को नस्य भी देना चाहिए मैम, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा काम करता है, हम इसमें क्षीरबला सर का जो है शतपथी, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, वो उसकी मात्रा हम बढ़ाते जाए जो जैसे हम ये करें, तो पेशेंट का सर्वाइकल स्पाइन हो या डिजेनरेटिव चेंजेस हो, कॉम्प्रेस हो, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो युक्तिपूर्वक सर ये हमने जो बताया अभी मैम ने और मैंने, तो थोड़ा आप युक्तिपूर्वक ये यूज करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि पेशेंट आप देखते हो तो उसका नाड़ी का चेंजेस कैसे रहता है, और जब हम बस्ती देते हैं तो पेशेंट की पहली नाड़ी कैसी थी या अभी कैसी है और बाद में कैसी है, आपको उसका फर्क दिखना लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे तरीके से सुधार आ रहा है पेशेंट में। और जो अपने अष्टविध है वो भी अष्टविध अच्छी तरह से सुधर जाते हैं मैम, ये थोड़ा सा बता जी मैम। जी मैम मैं करूंगा मैम। हाँ जी मैम बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम। हाँ, तो मैम आप ये जो मैं आपसे पूछूंगी, जैसे पंचतिक का द्रव्य ले लिया तो इनका सिद्ध करके बाद में घर में बोल देते हो कि इसकी बस्ती ले लो, मैम कैसे करना है कि हमारे जो अपने जो द्रव्य लिए पंचतिक्त के, मैं तो निम्न नहीं लेती क्योंकि मैं पेशेंट मेरा जो रहता है, तो जो डिजेनरेटिव रहते हैं उसमें तो आप पंचतिक्त ले सकते हो, तो नींबू अच्छा काम करता है, तो इसमें हम इसका क्वात करेंगे, क्वात में जितना क्वात है घृत बनाना है तो उसमें गोदुग्ध ऐड करना, घृत नहीं बनाना सिर्फ तेल बनाना है, तो जो क्वात रहता है वो तेल से सिद्ध करके हम पंचतिक्त तेल भी पेशेंट को बनाकर बस्ती, सादा हम जो सहचरादि तेल बस्ती देते हैं उसमें हम ऐसे पंचतिक्त तेल का बस्ती भी देते हैं युक्तिपूर्वक,
अभी एक दो पेशेंट में मैंने अस्थि मज्जा पाचक तेल बनाकर दिया था, तो बहुत अच्छे पेशेंट, बहुत बदलाव आया है पेशेंट में। तो ये थोड़ा सा युक्ति प्रयोग भी हम कर सकते, कभी कभार पेशेंट शीर्पा करने के लिए तैयार नहीं रहते, तो आप उसका 15 दिन का तेल बना के दे दो, वो घर पे ले नहीं, ले मैं बहुत अच्छा लेते। बताया मैंने, क्योंकि इस एक्शन में एक बार सोचा तो था कि जैसे इसका है कि किसी बस्ती के केस में मान लो कई बार ऐसा हो जाता है पेशेंट बिल्कुल लेने नहीं, को तैयार नहीं था, बनाने के लिए पेशेंट को कोई, ठीक कभी कभार करवा कैसे फैमिली प्रॉब्लम रहते हैं, पेशेंट लो। बनने के लिए तैयार नहीं रहते, तो हमको तो वो अस्थि तक जाना चाहिए, ये हमको रहता है। तो हम ये युक्ति पूर्वक तेल बना के दे तो भी अपना मार्ग तो यही है, पकवश है, लेकिन सिर्फ घृत के बजाय हम तेल बना कर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और ओरली जब हम सुबह रसायन काल में भी तेल पान करें, यमक स्नेह पान करें, पंचतिक्त घृत और अपना ये जो तेल मिक्स करके यमक स्नेह, तो बहुत अच्छा काम करता है मैम इसमें। ऐसे भी युक्ति पूर्वक हम कर सकते हैं, तो पेशेंट नहीं लेना चाहता तो ऐसे कर देना, ये थोड़ा सा बताया। जी मैम, पाठक सर सही है क्या? पाठक सर ये हाँ क्या? हाँ सही है बहुत सही बता रही हैं आप, मैं हाँ सुन सर रहा हूँ आपका। ठीक है सर, ओके सर। और सर नहीं मैम है एक पेशेंट के बारे में पूछना। मैम है, अंजना मैम है, नहीं है, आप कॉल करके उनको बुलाइए। ठीक है डॉक्टर दीप्ति मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। प्रणाम सर। सर मुझे ना एक्चुअली आज मेरे बेटे के लिए पूछना था, उसको 3-4 डेज से मतलब कफ कोल्ड है और माइल्ड फीवर है, मतलब 98.9 इस टाइप से, अब वो 100 तो नहीं गया है। तो मैंने उसको त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था और सीतोपलादी चूर्ण में थोड़ा सा मुलेठी और टंकन भस्म डाल के मैं दे रही थी, पर सर उसका ना मतलब फीवर तो नहीं आया है पर कफ ठीक नहीं हो रहा है, और आज तो 4th डे है लेकिन आज उसका कफ और बढ़ रहा है, और मैंने उसको मतलब ऐसे खाने के लिए फोर्स भी नहीं किया था, थोड़ा बहुत वो खा रहा है, कल तो कुछ खाया भी नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है नहीं खा रहा है आम पचन हो जाएगा, कफ तो चेस्ट क्लियर है पर कफ बहुत मतलब निकालता नहीं है, लेकिन कंटिन्यू खांसते रह रहा है, तो मुझे उसमें क्या ऐड करना चाहिए? उसमें आप चंद्रामृत रस देंगे, कनकासव देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो चंद्रामृत रस, अच्छा हाँ आपका भेजा हुआ है बस्ती सर भी मेरे काम पास। करता है इसमें, क्या मैम? बस्ती भी काम करता है, मात्रा बस्ती अच्छा, किस चीज का आप, दे सकते हैं क्लास में? हम बला तेल का भी दे सकते हैं बच्चे के लिए, और ये सहचर तेल का भी दे सकते हैं आप, जो अपने पास अवेलेबल हो। बस्ती से थोड़ा सा अपान का विकृति हो गया और कफ उसका जो खांसी बन रही है, तो अपान प्राण व्यान को दूषित कर रहा है, तो वो अच्छे तरीके से अपान का वातानुरोमन होगा तो बहुत अच्छा काम कर। चंद्रामृत सर भी आपने बहुत अच्छा बताया, वो भी बहुत काम कर, लेकिन मेरी बच्ची में मैंने किया था कर्पूरादि तेल से थोड़ा सा स्नेहन किया था, और चंद्रामृत रस सर ने बोला वो मद से चाटन दिया था, सीतोपलादी और वो दोनों मिलके, और ये शीरबला मेरे पास था तो मैंने उससे बस्ती दी थी मैम। मैंने एक्चुअली आज बाल चतुर्भद्र सिरप भी स्टार्ट किया है उसको आज से, पर आज से ही शुरू किया है, तो फिर मुझे लग रहा था कि 4 डेज हो गया लेकिन कम ही नहीं हो रहा है उसका, तो फीवर नहीं आ रहा है वो एक चीज है। और मैम बस्ती में ना आप फीवर के लिए बोल रहे हैं तो मृदु विरेचन मानो हम कैस्टर ऑयल भी थोड़ा सा डालें तो उससे भी फीवर भी कम होता है, और उसका जो वात का अनुलेपन होने बात के बावजूद, नहीं। पेशेंट का स्नेहन होने के बावजूद भी पेशेंट की खांसी पूरी बंद, रात तक बच्चों को कुछ भी नहीं तकलीफ नहीं होती, और कर्पूरादि तेल से स्नेहन स्वेदन कर देना। मैंने ना सरसों तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसके चेस्ट और बैक पे मसाज मतलब की थी, और हल्का सा ऐसे हाथ नहीं गरम करके सेक देते हैं वैसे कर रही हूँ उसको मैं, तो हाँ चलता है मैम, लेकिन सरसों के उसमें हाँ उसमें कर्पूर मतलब थोड़ा सा डाल देना, कर्पूर कपूर रहता है ना अच्छा भीमसेनी हाँ उनका, हाँ अपने हाँ पास तो वो भी डाल देना, तो लहसुन अच्छा कर देगा वो। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ हाँ मैम, आप उसमें अदरक भी ऐड कर सकते हो, सीचू हाँ अगर आप दे रहे गिलोय हो भी तो। चलता है, उसमें जो चाटन देते हैं उसमें गिलोय सत्व भी दे सकते हैं हम थोड़ा सा इम्यूनिटी के लिए। हाँ मैम, मैंने भूल गई, मैंने सितोपलादी मुलेठी टंकन और गिलोय सत्व डाला था, तो हाँ हाँ 3 बार उसका वही चाटन दे रही थी उसको, तो
तो वही मुझे लगा क्योंकि इसके पहले बार जब हुआ था मतलब 3-4 महीने पहले तब तो इससे रिलीफ हो गया था, लेकिन इस बार वो वर्क नहीं कर रहा, मुझे लगा सर कहाँ मेरा आप गलत हो रहा है। पाठक सर यहाँ पे औषधि वटी भी हम अच्छी तरीके काम करते शादी हैं, टीवी। हाँ वो भी बहुत अच्छी मैम, वो चूसने के लिए दे देना, बहुत अच्छी नहीं है। लेता मैम, है रखा छोटा, एक्चुअली नहीं आप साढ़े औषधि तीन साल वटी, का है तो नहीं नहीं उसको। औषधि वटी हाँ क्या कर देना, मध के साथ मिक्स करके दे देना, अच्छा तो बहुत अच्छे तरीके से वो ऐसी भी बहुत अच्छी रहती है। अदरक का ये अपनी शुंठी का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चा नहीं लेता तो ऐसे देना, लेकिन बस्ती जरूर देना मैम, बहुत अच्छा काम करता है बस्ती इसमें। मैम ट्राई करती हूँ। मैम क्रीमिंग में भी ऐड कर दीजिए कुछ। विडन हाँ और वासा भी दे रहे हो क्या? वासा ऐड नहीं, किया मैंने आपको ना मैम? वो एक्चुअली कफ सिरप के लिए मैंने प्रोप्राइटरी मेडिसिन है मुल्तानी की कूका सिरप वो ही दिया था, बाकी जो अपना ये क्लासिकल है वो ही दे रही थी। प्रोप्राइटरी मेडिसिन में मैम ना जेटीवी करके आता है, जेष्टमध तुलसी और वासा, वो भी बहुत अच्छा कौन सा मैम? है। जेटीवी, JTV। हाँ जेष्टमध तुलसी और वासा, जी वो भी बहुत अच्छा है। ओके मैम चेंज करती हूँ। ठीक मैम हेलो मैम। हेलो हेलो हाँ मैम, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा जो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा, लेडीज पेशेंट हैं जिनको, तो वो जो मात्रावस्ती देनी है तो उनको 3 मंथ बाद पीरियड्स आते हैं, तो 2-2 महीने के बाद में आते हैं, तो क्या मैं 3 महीने का वेट करूं बस्ती मात्रा सॉरी उत्तरवस्ती देने के लिए, या उस दौरान जब उनको थोड़ा बहुत भी डॉट वगैरह आए उसके बाद दे सकते हैं जो सर अभी लेकिन बता रहे थे? स्पॉटिंग, स्पॉटिंग सर स्पॉटिंग स्पॉटिंग हो रहा है कितनी देर तक हो रहा है, ये स्पॉटिंग हो रहा है मतलब आंस ओपन हो गया ये रहता है ना, जी। लेकिन फ्लो कितना है ये भी जानना जरूरी है। फ्लो अच्छा हो, स्पॉटिंग हो रहा है तो आर्तोदृष्टि है, ये तो 100% क्लियर हो गया, लेकिन जब से स्पॉटिंग हुआ तो आंस ओपन ही हो गया अच्छा तो दे ना। सकते हैं मात्रा बस्ती का पूछ रहे हो या उत्तर बस्ती का? उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती उत्तर बस्ती बोल रहे मैम, आज तो ओपन हो गया है उसकी वजह से स्पॉटिंग हो रहा है। हेलो, हाँ जी। तो स्पॉटिंग देखना, उनको पूछ लेना कि कितने ब्लीडिंग कितने पैड्स भरे हुए हैं, ये पूछ लेना उनसे। स्पॉटिंग जी और स्पॉटिंग होते हैं तो हम उधर थोड़ा सा पीवी करके देख लेना चाहिए कि वो आज ओपन है या नहीं, एग्जाम करके ही देखना चाहिए। ओपन होगा तो आप उत्तर बस्ती कर सकते हो। ठीक है मैम, बाकी मैं आपको उनसे ना कल कल आएंगे शायद वो पेशेंट, तो मैं पूछ के फिर आपको कल डिस्कस करता हूँ। और इनको ओके, माइग्रेन भी है मैम, माइग्रेन भी है। हाँ माइग्रेन में तो सर अपना स्नेहपान बहुत अच्छा काम करता है, शीरवाला नस भी बहुत अच्छा काम करता है, हाँ वो दे शीर्षिला रहा हूँ मैम। भी बहुत अच्छी काम करती है। जी। लेकिन पेशेंट का रात्रि जागरण ट्रेस फैक्टर है क्या, खाने का विषमाशन है क्या, ये देख लेना हेतु इससे, या वेग विदारण, क्योंकि पेशेंट का माइग्रेन ऐसे वैसे नहीं रहता, इसमें एक ही हेतु मिलता ही मिलता है, वो पूछ लेना पूरा तरीके जी से। जी मैं कल, हाँ जी कल कल डिस्कस करता हूँ मैम, फिर उसके बाद मैं आपको करता हूँ हाँ पूछ कर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। ठीक है डॉक्टर दीप्ति जी, आपको आंसर मिल गया? सर आप दीप्ति मैम कर क्या दीजिए ना, मैंने ब्रेक बीच में ही आंसर आपको बोला, आप बोल दीजिए ना सर और क्या। आंसर मिल गया आपको दीप्ति जी? जी सर, जी सर, मैं वो मेरे पास है चंद्रामृत रस भी है, वो चंद्रामृत मैं रस और खांसी कनकासव स्टार्ट करती देते हूँ। हैं, उसमें और भी कर्पूर आदि चूर्ण दे सकते हैं, शीतलपुला दी, तालीचा, कर्पूर आदि चूर्ण से बहुत अच्छा फायदा होता है। जी और सूखी खांसी है तो थोड़ा घृत के साथ दीजिए। सर, खांसी मतलब उसको कफ है लेकिन वो ना छोट मतलब निकाल नहीं पाता है, नहीं उसको बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, अभी 3.5 साल का ही है। तो कर्पूर आदि चूर्ण को शहद के साथ दीजिए, चंद्रामृत रस एक कनकासव से मैम बोलू 5-6। इसमें मैम क्या करना युक्तिपूर्वक, आप ना उसको बताइए। दूध पिला देना, दूध पिला देना बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो अपने आप वोमिट कर देगा तो लघुवमन हो जाएगा। जाएगा हाँ ज्यादातर ज्यादा दोष बढ़ाने दो और फिर वो निकल जाने दो।
एक दिन पहले खिचड़ी में थोड़ा सा घी भी मिला के खिला देना उसको। हाँ और दूसरे दिन ऐसा भी करा दोगे तो वो कफ निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, नॉर्मली वमन हो चुका है, मतलब जब सेकंड डे था ना तो वो जो भी खा रहा था तो कफ के कारण उसका ऐसे वमन हो गया है, मतलब जो खाया है वो निकला, बट इस टाइप से नहीं किया कि दूध पिला के या ऐसा। नहीं उसको पिला देना दूध, और दूध में थोड़ा सा कस्टमर्ड मिला के दोगे तो होता है पेशेंट हो। हाँ उसका ठीक है मैम। ठीक है और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं? नवजोत कौर मैम सुन पा रही हैं? डॉक्टर नवजोत कौर मैम शायद मैम बिजी हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? मलावरोध हो जाता है तो एरंड ऑयल देते हैं, तो मैक्सिमम कितनी डोज तक का एरंड ऑयल हम दे सकते हैं पेशेंट को? कभी कभी हम 30 ml देते हैं बट पेशेंट को फिर भी मोशन नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन है? हाँ ये पूछना है सर, मैक्सिमम कितनी डोज तक उसको एरंड ऑयल दे सकते हैं पेशेंट को? हमारे सर तो बोलते हैं 1 liter तक दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उससे कितना आप डोज कम ज्यादा करके देखिए। ओके ठीक है, हर पेशेंट का डोज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहले आप थोड़ा दीजिए 30 ml दीजिए, उससे नहीं होता है तो 50 ml दीजिए, उससे नहीं होता है तो थोड़ा बढ़ाइए। ओके सर ठीक है थैंक यू। और कमल मैम आपकी मैम आ गई, अंजना मैम आपको कुछ पूछना था ना? पूछिए पूछिए डॉक्टर कमल मैम। हेलो शायद हाँ आपकी मैडम आ गई, आपकी नहीं हमारी सबकी आ गई। हाँ हमारी सबकी है। हेलो हेलो बोलिए बोलिए। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को, नमस्ते सर नमस्कार मैम। हेलो हाँ मैम बताइए। एक पेशेंट है मैम मेरे पास, वो 28 इयर्स ओल्ड है और उसको 2 children भी है, लेकिन अभी मेरे पास आई है यूटेराइन फाइब्रॉइड विथ हाइड्रोसल्फिंग्स करके और लैप्रोस, और मैम उसका 1.5 month ऐसे करके 3 हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ है और 1 DNC हुआ है। तो पेशेंट अभी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी रेगुलर है, खान पान भी बहुत उसका अच्छा है और खेती में काम करती है, लेकिन यूएजी रिपोर्ट्स में हाइड्रोसल्फिंग्स है और यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है वो 4 cm के है, 2 है और स्मॉल सिस्ट भी थोड़े से है लेकिन वो नॉन मेजरेबल ऐसे है। तो इसमें मैम हम दोषों का विचार कैसे करके, और पेशेंट का जो फर्टिलिटी का तो अच्छा है लेकिन पहला जो हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ था पहला बेबी अच्छा एक मानो 1 year का था तब उसका हुआ था और उसके बाद ही फिर 6 months में फिर उसका एबॉर्शन हुआ था, वो एमटी भी किया था और डीएनसी 1 की थी 5 months की क्योंकि वो थोड़ा सा कंजेनिटल एनोमलीज थी उसकी। तो मैम इसमें कैसे ट्रीट करें पेशेंट को हाइड्रोसल्फिंग्स, और इसमें दोषों का विचार माने कैसे, कौन सा दोष इसमें हम वात माने या कैसे? और हाइड्रोसल्फिंग्स मैडम बोथ साइडेड है कि सिंगल साइडेड है? सिंगल साइडेड है और उसका एक टॉर्शन करके एक ओहरी निकाल दी गई है मैम, वो जब 18 की थी तब एक निकाल दी गई थी टॉर्शन होने के बावजूद। राइट साइड मतलब राइट साइड की ओवरी लेफ्ट साइड की निकाल दी गई है, राइट साइड की है और राइट साइड के बाद भी उसको ये कंसेप्शन अच्छी तरीके से 5 हुआ, उसमें 3 उसका एबॉर्शन और 2 बेबी अभी लाइव है अच्छे हैं। हाइड्रोसल्फिंग्स किस साइड का है? राइट साइड का है मैम। अच्छा राइट साइड का हाइड्रोसल्फिंग्स। हाँ तो पेशेंट को अभी अभी मतलब इनफर्टिलिटी है, पेशेंट चाहती है सेकंड इनफर्टिलिटी मानती है? नहीं मैम मतलब उसको बेबी है अभी अच्छे लाइव, 2 बेबी है अभी, कंसेप्शन का कोई नहीं, लेकिन वो हाइड्रोसल्फिंग्स में वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना चाहती है कि ना कि वो मॉडर्न, कोई मॉडर्न वालों ने उनको सर्जरी एडवाइस बोला है, लेप्रोस्कोपी करके करने को बोला है। अच्छा
फाइब्रॉइड भी दो बता रही है ना आप? हाँ, एक 4 सेंटीमीटर के दो है और दो नॉन मेजरेबल छोटे साइज की है। साइज क्या है, जगह क्या है, पोस्टीरियर एंटीरियर? एक है पोस्टीरियर साइड और एक एंटीरियर एंटीरियर वॉल, ऐसे करके बताया है। ठीक है, तो देखिए कुछ भी पहले तो हम वही मानेंगे ना, योनि व्यापद है ना, योनि व्यापद है तो बात तो हमारे पास है ही है, बात तो कुपित हो गई है तभी योनि व्यापद हुआ है। ठीक है, देन उसके साथ में कहीं ना कहीं कफज कलशान शल्पना में आ रहा है, क्योंकि जहाँ हाइड्रोसल्फिनस की बात आप कर रहे हो तो वहाँ जो है कहीं ना कहीं उसको कलेक्शन हुआ है, या जो भी कारण रहा होगा, तो हाइड्रोसल्फिनस के कारण आपको यहाँ पे कफज के साथ में कफज वाता चिकित्सा करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर फाइब्रॉइड बनता है तो वहाँ भी कफज प्रधान ही होता है, लेकिन कहीं पित्त भी इन्वॉल्वमेंट होता ही है, क्योंकि अग्नि अगर मंद नहीं होगी तो कहीं भी कोई पैथोलॉजी डेवलप नहीं होगी, है ना। अवरोध जन्य संप्राप्ति अगर हम हाइड्रोसल्फिक्स में या कफज कफ का एक्यूमुलेशन जहाँ भी हो रहा है, जो जलीय तत्व बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे त्रिदोषात्मक चिकित्सा ही करना चाहेंगे, जैसे हम लोग करते भी आए हैं और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। सबसे पहले आपको पेशेंट को स्निग्धता देना होगा, इससे क्योंकि कहीं वायु के गुण को हमको लाना है, रुक्षता को कम करना है, तो स्नेहन करना होगा, दीपन पाचन करना होगा प्रॉपरली, है ना। तो स्नेहन और दीपन पाचन के लिए आपको हाँ जैसे भी आप दे सकते हो, दाढ़ी मास्टर घृत दे सकते हो, या उसके साथ थोड़ा पंचकोल चूर्ण भी मिला सकते हो, या फिर पंचतीर्थ घृत के साथ में आप जो है त्रिकटु चूर्ण दे सकते हो, है ना, भूनिम्बादी क्वाथ को अनुपान करके दे सकते हो यहाँ पे आप। उसके साथ में थोड़ा सा जो है क्या है ना, पहले हमें दोनों चीजों पे देखना है, कुछ लेखन चिकित्सा भी करनी होगी और कुछ हमें उसके साथ में थोड़ा सा विवेचन चिकित्सा पे भी काम करना होगा। तो यहाँ हम दो तीन काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ग्रहणी दृष्टि पे ध्यान देना होगा। तो लघु बसंत मालती है अच्छा रोल निभाएगा, बसंत कल्प अगर पेशेंट ले सकती है, स्वर्ण बसंत ले ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लघु बसंत मालती। और लघु बसंत मालती के साथ जैसे थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्षरण कराना है दोनों जगह पर, तो यव क्षार या अपामार क्षार या फिर जो है जलकुंभी क्षार, है ना, अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ में थोड़ा सा शंख भस्म चाहिए, संजीवनी भी चाहिए आपको यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आप अभ्रक लेंगी, छटपुटी अभ्रक लेंगी तो फायदा कर जाएगी। और साथ में हमको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कहीं पर हम ताम्र भस्म भी जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति, या फिर कहीं पर हम नाग भस्म भी जोड़ सकते हैं, काशीश भस्म और शिला सिंदूर का भी एड ऑन किया जा सकता है। साथ में जो पाथ देंगे वो वरुण शिग्रु पाथ हम यहाँ जरूर एड ऑन करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा जो है, या फिर गोक्षुर, दोनों में से आपको एक लेना पड़ेगा। गोक्षुर शीर्पाक काम कर जाएगा, गोक्षुर शीर्पाक आप देंगी तो रसायन भी करेगा, गणी दृष्टि के बाद रसायन का काम अच्छे से करेगा, और फिर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोट्यूबेशन जैसे आप बता रहे हो उसको भी वो जो है कहीं ना कहीं रिलैक्स करेगा पेशेंट को। और रात में समय थोड़ा सा एरेंड तेल और बस्ती चिकित्सा और नस्य चिकित्सा दोनों इफेक्ट करेगी यहाँ पे। बस्ती के लिए आप वायु का अनुलोमन करने के लिए अकॉर्डिंगली बस्ती दीजिए, पटोल कटुरोहिणी क्वाथ में आप एरंड तेल मिला दीजिए ना, या फिर भूनिम्बादी क्वाथ में आप थोड़ा सा जो है बला तेल मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से अभी थोड़ा पेशेंट को अल्टरनेटिव थेरेपी देना पड़ेगा, लेखन चिकित्सा के साथ साथ उसकी रसधातु पर भी काम करना होगा, ग्रहणी दृष्टि उसके लिए ठीक करनी होगी। मैम इधर यवक्षर आपने बताया ना, तो यवक्षर हम उसका योनि के मनो प्रतिसरण के रूप में मानेंगे या क्षार तेल उत्तर बस्ती में देना है? क्षार तो उसमें आप उसका जो पाउडर आता है ना उसको आप पुड़िया में बना के दीजिए ओरली, अभी खाने के लिए दीजिए। हाँ पहले आप पुड़िया में बना के दीजिए, पहले उसका इफेक्ट आने दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है अभी सिंपल आप अभी एरंड तेल लीजिए और एरंड तेल के साथ जैसे मैंने बताया पटोल कटोरोहिणी क्वाथ ले लीजिए, या फिर दशमुलादी तेल के साथ में आप थोड़ा सा भूनिम्बादी क्वाथ मिला लीजिए, सहचरादी तेल लेके उसमें थोड़ा सा चित्रक ग्रंथि आदि क्वाथ मिला लीजिए, और थोड़ा सा उसमें एरन तेल डाल सकती हैं। ओके ठीक है जी, ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा अच्छा केस है, चैलेंजिंग केस है आपके पास, ये टाइम टेकिंग है और मुझे लगता है मेनोपॉजल एज में भी धीरे धीरे आ ही रही होगी,
नहीं मैम, उसका अभी 28 चल रहा है, अर्ली मैरिज हुआ था, अर्ली मैरिज हो गई। हाँ कोई नहीं, तो भी आपको बता दीजिएगा कि टाइम टेकिंग है थोड़ा, क्योंकि कोई भी ग्रोथ बनती है तो हमें लोग को मांस धातु मज्जा धातु तक जाना ही पड़ता है ना, तो वहाँ समय तो लगता ही है, लेकिन ये है कि यहाँ धातवाग्नि काफी मंद होती है, तो धातवाग्नि पे बहुत अच्छे से कार्य करेंगे आप कर ले जाएंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेके करिए तो असर आएगा मैडम। शेरकी मैडम, आपकी ये पेशेंट का पहले डिलीवरी के बाद में ये सारा हुआ है संप्राप्ति, या ये संप्राप्ति होने के बाद में कंसीव हुई है? पहले डिलीवरी के बाद में आपने उसके हेतु निकाले कि हेतु मानस हेतु है, शारीरिक हेतु है? मानस हेतु के बावजूद वो खान पान में थोड़ा सा ऐसे क्षयात्मक ही रहती है, खान पान अच्छे तरीके, विषमाशन है, वेग विधारण है, दो दो तीन तीन दिन वो मल त्याग नहीं करती मनो के। तो मैम देखिए, आप सबसे मेन चीज है, देखिए इंटू एलोपैथी हाइड्रोसल्फिंग्स के लिए तो सीधा सल्फिंगोक्टोमी करते हैं, बाकी फाइब्रॉइड वगैरह के लिए इसको कोई भी मॉडर्न जो है 28-30 के अंदर इसको हिस्टेरेक्टोमी करके इसको बांझ बना देगा और अनफर्टाइल बना देगा। तो आपको उसको पूरी तरह से करके, कि अगर आपको लाइफ चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी जब हिस्टेरेक्टोमी हो जाते तो आपको भी मालूम है कि वो कैसी वात प्रकोप की अवस्था में, मतलब इतनी जल्दी हार्मोन इम्बैलेंसेस में आ जाएगी। तो आपको उसको काउंसिल करके जो जो उसके आपने हेतु बताए हैं अभी, उसको लाइटली ना लेते हुए ये सारी वात प्रकोपक जो भी सारी हेतु है उनके, वो उसने अवरोध निर्माण किया, उसने फाइब्रॉइड किया, उसने ये सारा चीज किया है। तो आपको ये देखना है कि ये सारी चीज को, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड शी मस्ट नॉट बी हैविंग मच ऑफ द मनी, तो जैसे आपने ये सारा ट्रीटमेंट करे तो उसके साथ में उसको कितने बजे खाना खाना है, क्या खाना खाना है, उसका कॉन्स्टिपेशन है तो वो रिलीव करने के लिए उसको किस तरीके से आपको मृदु अनुलोमन देना है या बस्ती देना है, क्योंकि यहाँ पे बस्ती है नस्ती, ये सब आइडियली बहुत अच्छे ट्रीटमेंट, और आप इतना यूनिक केस सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे पूरी तरह से रस दृष्टि से लेके अर्थ दृष्टि ये पूरी आपको क्लियर करनी है। सो यू शुड गेट अ टाइम एंड पेशेंट शुड बी वेरी सिंसियर, और जैसे मैम ने बताया तो वो सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करके एवरी मंथ उसका प्रॉपर फॉलोअप करिएगा। और ऐसे वक्त में ना मैम, हम भले ही प्राइवेट प्रैक्टिशनर है तो जब पेशेंट पेइंग नहीं रहता है ना, तो जो गवर्नमेंट का कोई सेटअप है या आज के आजू बाजू में कोई, वहां पे इन्वेस्टिगेशन आप रेगुलरली कराइए, मंथली जो भी है उसके साथ में, जो भी उसका बाकी का LFT होगा, बाकी का कोई चीज होगा, क्योंकि आप जब ये सारा चीज यूज करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाती हूं। द रीजन इज दैट कि हम मंथली कहां पे पहुंचे ना, तो उस पे आपको बहुत अच्छी तरह से, और बहुत ही अच्छा क्लासिकल केस है, इतनी जल्दी मतलब इतनी सारी संप्राप्ति में, बस उसको एक बेबी है, अगर वो अच्छी हेल्दी होती तो शायद सेकंड बेबी कंसीव कर लेती वो। मैम उनको तो डरा दिया है कि यूटेरिन फाइब्रॉइड मानो वो कैंसर सेल है, तो पेशेंट घबरा मैम बस मेरे हाँ, वो एक्चुअली मैं वही बोलने वाली थी कि थोड़ा सा स्क्रीनिंग करने के बाद में एक मतलब CA या फिर CA 125 करके फिर आगे प्रोसीड करिएगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सारी अवरोधात्मक ये चीजें और कुछ ना कुछ काफी सीवियर हार्मोन इम्बेलेंस है, तो एक बार करके देखिए, अगर पेइंग नहीं होगा तो पैप स्मियर करके देखिए, लेकिन CA नहीं हो तो आप आगे अच्छी तरह से प्रोसीड करिए। और उनको डरा मतलब उनको ये बताइए कि कितना भी आपको कोई डराए तो भी आपको अगर इसमें से हेल्दी होना है तो और सस्ते में होना है तो खान पान परहेज उसके बाद में सारा चीज, और सबसे मेन मनोचिकित्सा के लिए प्राणायाम और ये सारी चीज, वो उसके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको कॉन्कर कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, यू विल बी डूइंग इट। ओके थैंक यू मैम। ओके मैम थैंक यू। और मैम एक अंजना मैम, एक पेशेंट से बारे में पूछना था, PCOD का पेशेंट है मेरा, और उसका 5 मंथ अभी रेगुलर हो गया, 5 मंथ पहले आई थी मेरे पास, तो उसका ओवेरियन स्टोमा वगैरह पूरा नॉर्मल हो गया है, यूटेरस भी ET भी नॉर्मल हो गया है, लेकिन मैम उसकी बीज दृष्टि जो बोल रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं हुई है, ओहम जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो इसमें हम क्षयात्मक संप्राप्ति देखें पेशेंट की या ओहम पे कॉन्सेंट्रेट करें अभी अगले, तो अभी फॉलिकल स्टडी करके मैंने देखा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो जो थिक ओहरेन स्टोमा था वो भी चला गया है पूरा, पेशेंट का यूटेरस जो बल्कि था वो भी अच्छा हुआ है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी उसकी अभी 14th डे में 8.5 mm इतना है, लेकिन उसका ओहम जो है ओहरी जो फॉलिकल है मैम, तो वो उसका 10/7 mm इतना ही है, तो इसमें हम वो बीज दृष्टि उसकी अच्छी तरीके से नहीं हुई, और पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म है,
तो उसका जो मॉडर्न का मेडिसिन भी चल रहा है और अपना वचा पुनर्नवा गिलोत्सव जो है वो भी चला रहा है वन पलांडू के साथ, तो इसमें मैम हम आगे उसको कैसे फॉलो करें? आपने क्या क्या दिया था मैम? मैम क्या रहा था आपका जी? पहले दीपन पाचन किया था, गृहिणी पे काम किया था, मेरे पास पहले पेशेंट आया था तो एंडोमेट्रोसिस और पीसीओडी ऐसे करके आया था, तो पेशेंट का इरेगुलर मेंसेस था, 3 मंथ के बाद मेंसेस अंडर मेडिसिन ही आती थी, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में दीपन पाचन देने के बाद विरेचन दिया था, विरेचन के बाद फिर उसको मैंने मात्रावस्थी स्टार्ट की थी, मात्रावस्थी और उसके बाद फिर मैंने उसका निरुह देने के बाद उत्तर बस्ती दिया था, पहले महीने में मैंने क्षार तेल की उत्तर बस्ती मिक्स क्षीरबला तेल दिया था, दूसरे महीने में उसको मैंने क्षीरबला तेल और अपना शतावरी तेल दिया था, और तीसरे महीने में अभी मैंने जो दिया था वो शतपुष्पा तेल ही दिया था उत्तर बस्ती में, और पेशेंट को मात्रा बस्ती के लिए सहचरादि तेल दी थी, और चौथे महीने में मैंने शीरवाला तेल मात्रा बस्ती में दिए थी, नस्य वचा और शीरवाला का दिया था, और अपना जो ट्रीटमेंट है रस पाचक रक्त पाचक भी दिया था पेशेंट को, माउस पाचक और अपना दशमुला रिष्ट और कांचनार गुगुल दिया था, थोड़ा सा उसका हाइपरथायरॉयडिज्म था इसलिए, और सुबह रसायन काल में वचा पुनर्नवा गिलोय का ये वन पलांडू का जो हम चाटन के स्वरूप में मैंने दिया था पेशेंट को, तो मैंने मुझे थोड़ा सा मैम इसमें ऐसे लग रहा है कि मैंने ये 3 महीने दिया था वचा पुनर्नवा गिलोय, उसके बाद मैंने उसका थायराइड का जो प्रोटोकॉल है मैंने नहीं देखा कि उसके वजह से वो जो फॉलिकल जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी हुई, उसका ओहेरन स्ट्रोमा थिक था वो भी अच्छा हो गया, यूटेरस भी नॉर्मल जो बल्कि था वो नॉर्मल साइज आ गया, लेकिन जो मैंने ये प्रोफाइल नहीं देखा उसका थायराइड प्रोफाइल अभी 3 महीने बाद, तो वो गड़बड़ा गया है ये मुझे पता नहीं, और थोड़ा सा पेशेंट का फॉलिकल जितना बढ़ना चाहिए अभी 14th डे में तो उतना नहीं बढ़ा मैम, तो इसमें हम अभी मैंने पुष्प धनवा भी उसको दिया था, पुष्प धनवा दिया था, टॉर्च अपना सुवर्णमाली वसंत भी दिया था, रसपाचक रक्तपाचक दिया था, कांचनर दशमुल काढ़े के साथ दिया था, और मात्रावस्थी भी चल रही है उसकी, तो इसमें मैम हम कैसे प्रयोजन करें और मेरा क्या गलत हुआ है इसमें ये भी बता दीजिए। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, गलत कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा होता है ना मैम, जैसे आपने खुद ही बताया, एक तो हाँ। थोड़ा सा उसके हेतु पे भी देखिए, उसकी लाइफ स्टाइल पे भी थोड़ा देखिए, और दूसरा हाँ। ये है कि जैसे आपने खुद ही बता दिया कि जो थायरॉयडिज्म है, हाइपर थायरॉयडिज्म है ना, वो अपने आप में एक कॉज होती है, हार्मोन डिसबैलेंस करती है बॉडी में, तो थोड़ा हाँ। सा ओम का जाप उसको कराइए कि थोड़ा गहराई से जैसे नाभि से आवाज आए, इस तरह का ओम का जाप बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा इफेक्टिव भी है, और थोड़ा सा जैसे नाभि पूरण है तो नाभि पूरण के लिए भी ना यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी ज्यादा स्टिमुलेशन अगर करना होता है तो इसे ब्राह्मी तेल से करेंगी तो उसमें थोड़ा सा अदरक का सरस मिला दिए ओके हाँ, और थोड़ा सा तल हृदय मर्म पे भी जो है वो इसी तरह से अदरक के सरस के साथ ब्राह्मी तेल के साथ मिला के थोड़ा सा उसका अच्छे से वो कर दीजिए, है ना। उसके हाँ। अलावा नस्य में थोड़ा सा आप और कुछ कर सकते हो, नस्य हाँ। जो आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि स्टिमुलेशन नस्य देना होता है हम लोग को, है ना, अदरक नस्य चालू है मैम। हाँ अदरक नस्य अभी तुरंत मत डालो, अभी आप जो है शतपुष्पा तेल का नस्य दो। ओके, शतपुष्पा तेल का नस्य अच्छा वर्क करेगा, है ना, और जब फॉलिकल आपको लगेगा कि फॉलिकल आपका डेवलप हो गया है, टाइम उसने मतलब स्टैंडर्ड साइज ले लिया है, तब हाँ। फिर आप अदरक सरस का नस्य दोगे आप वहाँ पे, ठीक है। और एक काम और कर लीजिए, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे काकल रक्षक बट्टी जो हमारी आती है डीपी वाली, हाँ। वो एड ऑन करिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा 1 VD कर लीजिए, और जो चल उसकी डोज को भी थोड़ा सा और मतलब थायराइड की जो रिपोर्टिंग आती है उसके हिसाब से बच्चा पुनर्नवा गिलोय हाँ। बहुत अच्छा वर्क करता है, उसकी भी डोज को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैम ये रसायन काल दे, काल रक्षक जो आपने बताया वो रसायन काल में दे, क्योंकि मैंने वचा पुनर्नवा रसायन काल में ही चालू किया है। हाँ, उसके साथ आप एक काल रक्षक एड ऑन कर सकती हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये 2 बार देना पड़ सकता है, कुछ पेशेंट में हमको चलाना पड़ता है 2 बार। ओके मैम,
फॉलिकल इसे वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ही फॉलिकल नहीं डेवलप। वो आपस में इंटर रिलेशन है ही है। अगर थायराइड नॉर्मल नहीं होगा तो आपके जो हार्मोन है ना, जितने भी ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये सब डिस्टर्ब रहते हैं। तो और मैंने इस पेशेंट में मैंने एंडोमेट्रोसिस ज्यादा था ना, तो मैंने उदरधारा और मंजिष्ठादि तेल से किया था ना, तो पेशेंट का दृष्टि जो हुआ जाके पेशेंट इतना अच्छा हुआ है कि उसका चेहरे पे ग्लो आया है, मानो ऐसे दिखता ही नहीं कि वो एज लाइक हम पीसीओडी के पेशेंट दिखते हैं तो टिपिकल दिखते हैं कि ऐसे है, लेकिन नहीं, उसका इतना चेंज फेयर हो गया है, स्किन बहुत, बॉडी वेट रिडक्शन हो गया है। आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और आप इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी सक्सेस पा जाएंगी, 100% पा जाएंगी। लेकिन ये कि थोड़ा सा जहाँ छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, जैसे कि थायराइड पे थोड़ा और अच्छा वर्क कर लीजिए, थायराइड का टेस्ट भी करा लीजिए, थोड़ा ओम के जाप से बहुत फर्क पड़ता है, ओम का जाप बहुत फायदा करता है इस कंडीशन में। और साथ में जैसे पुष्पा तेल, तो मैंने बताया ही आपको मेरा वर्क चल रहा है, थीसिस वर्क हो चुका है मेरा, बहुत गजब का इफेक्ट आएगा फॉलिकल पे, डेवलप पे, ठीक है, उसको नस से दीजिए। जी जी, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। उदरधारा किससे किया था मैम आपने? मंजिष्ठादि तेल से उदरधारा और स्थानिक रक्तमोक्षण जलोका से किया था मैम मैंने। ओके हाँ, अच्छा किया मैम, बहुत अच्छा। हाँ ओके मैम। एक डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। किसी को इनकी आवाज आ रही है क्या? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहे। नहीं आ रही सर। सर एक बार आप लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। हाँ, तब तक कोई और कुछ बोलना चाहता है? डॉक्टर शैलेश भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए अभी। डॉक्टर अर्शिया मैम, अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? अनुरिता मैम, आपका कोई केस है बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। सब लोग एकदम शांत हो गए। डॉक्टर शशि रेखा मैम, सर मैं ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी, सॉरी सर, गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। शशि रेखा मैम, आप अभी, आपकी सिस्टर हैं कि चली गई? शशि रेखा मैम, मैम डॉक्टर, हाँ सर बोलिए सर। सर मैं ना एक चाहता, जो आपका केस चार्ट है उसको वो मिल जाए मुझे, कोई सेंड कर दे अगर ग्रुप में किसी के पास। वो केस शीट का पीडीएफ शेयर कर दीजिए ग्रुप में कोई तो, ठीक है। और सत्य प्रकाश वर्मा जी बोलिए सर। हाँ प्रणाम, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आवाज क्लियर? हाँ बोलिए सर। सर शैलजा गुप्ता के नाम से पेशेंट एड हुई है। ठीक है शैलजा गुप्ता जी, आप कृपया वीडियो ऑन करिए अपना। शैलजा मैम कृपया वीडियो ऑन करिए। शैलजा मैम वीडियो ऑन करिए। ठीक है, अभी इनका केस टिकिंग कौन करेगा? नमस्ते नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? सर सर मैं सर गाजियाबाद में हूँ, लेकिन मैं साइंस की रहने वाली हूँ। ठीक है, आपका केस टिकिंग एक मैडम करेंगी, तो अर्शिया मैम आप करेंगे कि शशि मैम आप करेंगी केस टेकिंग? शशि तिवारी मैम आप हैं अभी? हाँ जी सर मैं करूँ। हाँ आप करिए इनका केस टेकिंग। ठीक है जी मैम, बताएंगे आपको। हेलो मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ मैम जी आ रही है। हाँ मैम बताइए क्या तकलीफ है आपको? सबसे पहले मुझे पेट में दर्द हुआ था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था यहाँ से,
तो उन्होंने मुझे पाम की दवा दी, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड लिखा, लेफ्ट ओवरी में, उसके बाद फिर मेरे पेट में ऐसे ही कंटिन्यू करने से दर्द होना रहा, अभी हाल में फिर मैंने एक एक लेडी डॉक्टर है वहां पर दिखाया, तो उन्होंने मुझे हेलो जी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम आपको? हाँ जी आ रही है आवाज, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए। तो उन्होंने मैम आपके यहाँ नेटवर्क इशू है, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, हालांकि आप स्क्रीन पर वैसे तो नहीं देख रहे हो, तो सिर्फ ऑडियो में बोलोगे तो आवाज कई बार ना फिर ठीक हो जाता है। अब आई आवाज आपको? जी हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम मेरे, हाँ मैम मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी मैम बोलिए, आपकी आवाज कट कट करके आ रही है। सिर्फ मुझे आवाज कट कर सुनाई दे रही है कि और लोग को प्रॉब्लम हो रहा है? सभी को प्रॉब्लम हो रही है मैम, नहीं आ रही आवाज, कट कट के आ रही है। ओके हाँ जी शैलजा हेलो जी। हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। हाँ जी मैम आवाज। हाँ जी हाँ जी मैम आप बोलो। हाँ उन्होंने फिर मुझे दवा दी जिसका वो था दवा, तो 21 दिन की वो दवा मैं खा रही हूँ, इतनी मुझे ख्याल से आ रहा है वो दवा, पेट में दर्द बहुत तेज। 10 तारीख को मुझे पेट में 4 बजे बहुत सहनीय दर्द, जो मैं भी नहीं मतलब सहन भी नहीं कर सकती थी, और उसके बाद मेरा जीव चला, फिर मैं मैम आपके डॉक्टर कौन है वो एक बार जरा केस को ब्रीफ कर दें। दिन की दवा दी वो दवा बहुत तेज वैसा ही दर्द हुआ और जिम चलाया एक उल्टी नहीं हुई। हेलो हाँ जी मैम सुन रही हूँ आप बोलिए। एक तो उल्टी सुन रही है मुझे सुबह 4:30 दर्द वैसा ही हुआ। हाँ 13 तारीख को फिर मुझे वैसा ही दर्द हुआ, मुझे फिर 2 उल्टियां हुई और फिर अभी तो मैं आराम है मुझे, कल मुझे 2 उल्टी हुई थी और पेट में ऐसे ही मतलब बहुत सुस्ती बुखार और ऐसे ऐसे लग रहा था दांत किटकिटा रहे हैं, 11 तारीख को मुझे दांत किटकिटा रहे थे, अभी तो मैं आराम लेकिन पेट दबाने पर वो दर्द रहता है बस, और ऐसे डकार सी आती है मुझे और गैस पेट टाइट ऐसा रहता है, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, ये सब मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है मैम एक बात बताओ आपके डॉक्टर को आपके डॉक्टर कौन है, मतलब किसने आपको लीड दिया? जी मेरी डॉक्टर यहाँ पे जी मैं यहाँ पे गाजियाबाद में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नम्रता अग्रवाल गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको दिखाई थी, उन्होंने ये सब दवा लिखी, मैं उन्होंने कहा 21 दिन आप दवा खा के फिर आना मेरे पास, तो मैं उन्हीं को दिखा रही थी। तो ये नहीं, जो डॉक्टर यहाँ का लिंक आपको जिसने दिया जी है, वो डॉक्टर कौन है? जी मैम जी सर डॉक्टर जी जी मैम हाँ जी सर एक बार ऐसा है क्योंकि देखिए पेशेंट की आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, हालांकि आप हेतु उनसे निकालेंगे पर एक बार आप थोड़ा सा प्लीज करें क्योंकि जितना बोल रहे हैं उसमें आवाज बहुत ज्यादा कटी है। जी 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 मैम इनको इंडो ओवरी में इंडो मेट्रोमा दिया है। अच्छा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई जी, और बाकी पेशेंट मुझसे दूर है तो बाकी वो बता सकती हैं। अच्छा पेशेंट मतलब फिजिकली आपने पेशेंट को भी नहीं देखा है ना अभी? नहीं जी 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 मैम। तो कोई इनको वातानुलोमक दिया है सर?
मैम मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, ये डॉक्टर साहब है उनकी बेटी हैं हमारे गोसाईगंज के, तो उन्होंने हमको बताया तो हमने कहा कि यहाँ से करा देंगे, तो भी काफी दूर है, गाजियाबाद है, हम लोग गोसाईगंज में है, हैदराबाद में। ओके जी, चलिए कोई बात नहीं है, हम उनकी एक्चुअल में जहाँ से बोल रही है ना, या तो वाईफाई से कनेक्ट कर लें या तो मोबाइल को थोड़ा सा अच्छे से, मतलब क्योंकि वो प्रॉपर नहीं बोल पा रहे, मतलब उनका जो आ रहा है ना कट कट करके सर आवाज आ रही है, अब उसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर पूछ भी नहीं पाएंगे, लेकिन इतना समझ उनकी तकलीफ से ये चीज समझ में आ गया, उन्होंने कहा कब्ज भी है, तो कई बार क्या होता है कि जब गैस बनती है जो उनकी तकलीफ है वो तो है ही, तो उसकी वजह से भी तकलीफ बढ़ जाती है, और हर जगह आप सुन ही रहे हैं कि जितने भी योनि व्यापक होते हैं सब में वात मेन रोल निभाता है, तो वातावरण तो दे ही दीजिए उनको, और उनका नेटवर्क थोड़ा सा और बढ़िया होता तो फिर मैं प्रॉपर उनसे पूछ पाती। हाँ जी शैलजा जी, मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है? जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर आवाज आपकी आ रही है। ओके मैम, अब आप बताओ मुझे रात में कितने बजे सोते हो? मैं रात में 10-12 बजे तक सो जाती हूँ। 10-12 नहीं 11 बजे तक, लगभग 11 बज जाते हैं, 10:30 ऐसे ही। ओके, सुबह कितने बजे उठते हैं मैम? मतलब मैं सुबह के टाइम मुझे नींद बहुत आती है, जैसे मेरा 7-8 बजे उठना हो पाता है, मुझे मेरी आँख की खुलती नहीं है, ऐसा लगता है मैं और सोऊं। क्यों? पता नहीं, मतलब आदत है मेरी, ये शुरू से मेरी आदत बन गई है सुबह लेट में उठने वाली। नहीं तो ये तो जब आदत बन गई तो इसको खुद ही आपको चेंज करना पड़ेगा मैम, क्योंकि अगर सूरज उगने के बाद आप सोते हो तो फिर शरीर में परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है? और ये जो आदतें ऐसी होती हैं वो इच्छा शक्ति से जाती हैं। किसी दिन में भी सोते हो मैम? नहीं, दिन में इस समय तो नहीं, बिल्कुल नहीं सो रहे हैं दिन में, नहीं अभी मुझे 2 दिन में पूरे दिन सोई हूँ, जब मेरी तबीयत खराब थी 11, 12, 13 में तो मैं 48 घंटे में मैं 36 घंटे सोई हूँ, इतना मुझे नींद आई है, मतलब सुस्ती। चलो कोई बात नहीं, मैं बीमारी की बात अलग है, नॉर्मली भी आप दिन में सोते हैं गर्मियों वर्मियों में कि नहीं सोते हैं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। 1 घंटे ऐसे रेस्ट कर लेते हैं, 1-2 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट का मतलब सोना जी, नींद आ जाती होगी? हाँ जी, सो जाते हैं जी। नहीं, दिन में नहीं सोना है मैम, ठीक है? दिन में जब आप सोएंगे तो बहुत सारा चीजें होती है, कब का संचय होता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर बीमारी का एक जड़ होता है दिवाशन, तो दिन में नहीं सोना है। अच्छा मैम, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो उससे लेकर के आप रात में जब सोते जाते हैं तब तक की पूरी दिनचर्या एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी, आप क्या क्या करती हैं, कितने बजे खाती पीती हैं? भूख मुझे कम लगती है, खाना बहुत कम खाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुबह सोकर उठती हैं, सोकर उठने के बाद में रात के सोते तक में आप क्या क्या काम करते हो ये मुझे बता दो। आप खाना कितने बजे खाते हो, आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो, चाय कितनी बार पीते हो, रात में क्या खाते हो? जी मैं सुबह एक चाय लेती हूँ 7-8 बजे के, 8 बजे के बीच में, उसके बाद फिर 9:30 बजे थोड़ा सा नाश्ता मैं करती हूँ, फिर मैं 2 बजे खाना खाती हूँ, 2 या 3 बजे। ओके, जब चाय के साथ बिस्किट वगैरह भी लेती हैं? जी, चाय के साथ मैं बिस्किट रस्क या ऐसे कुछ ले लेते हैं, बिस्किट रस्क या नमकीन वगैरह। जी जी जी, 9:30 बजे जो मैम आप नाश्ता करते हैं उसमें क्या कर लेते हैं? 9:30 बजे जैसे 1-2 रोटी खा लिया, बन गई है तो 1-2 रोटी खा लेते हैं नाश्ते में, नहीं तो फल वगैरह ले लेते हैं, तो फल 1 सेब रेगुलर ले लेते हैं, और इस समय तो ऐसे ही ले लेते हैं, संतरे वगैरह ले ले रहे हैं, भूख कम लगती है मुझे, और उसके बाद 2-2.5 बजे खाना, 2-2.5 बजे मैं खाना खाती हूँ, फिर रात में वो 8-9 बजे खाना खाती हूँ। 2-2.5 बजे जो आप खाना खाते हैं उसमें क्या खाते हैं? उसमें हम रोटी सब्जी खाते हैं। आपने सुबह नाश्ते में भी सब्जी रोटी खाई, दोपहर में भी रोटी सब्जी खाते हो? जी जी, क्योंकि सुबह एक ही बार खाना बन जाता है तो फिर वही। चलो कोई बात नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, कई बार कुछ लोग चेंज खाते हैं,
तो जो दोपहर में हाँ तो उसके साथ दही वगैरह भी खाते हो? जी दही रायता ले लिया, कभी कभी जब रायता रहता है दही रायता ले लिया, सलाद ले लिया, अभी इस टाइम नहीं, गर्मियों में लेते थे रेगुलर। अच्छा दूध वगैरह कब लेते हैं मैम? दूध रात को लेते हैं लेकिन पी नहीं पाते हैं, मन करता है पीने का, कभी कभी पी लेते हैं। रात को अगर दूध लेने सोचते हैं तो खाना खाने के कितने घंटे बाद दूध लेने सोचते हैं? जी नहीं, आधा घंटा या एक घंटा सोते समय। ओके ओके, सोते समय टाइम लेते हैं। जो रात को खाना खाते हैं उसमें क्या क्या खाते हैं मैम? रात में कभी दलिया बना लिया, या फिर दाल चावल भी हो जाते हैं, या फिर दाल रोटी हो जाता है। अच्छा, और मैम शाम को चाय वगैरह पीते हैं आप? जी शाम को 6 से 7 बजे चाय पीते हैं। तो चाय के साथ फिर वही बिस्किट नमकीन रस्क वगैरह लेते हैं क्या, कुछ और भी लेते हैं? जी और कुछ नहीं, बस यही खाते हैं। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप हाउस वाइफ है कि वर्किंग है? हाउस वाइफ जी, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है जी। अभी मेरी शादी को 17 अप्रैल को हुई है शादी। अच्छा अभी इसी 17 अप्रैल को शादी हुई है जी। तो शादी के बाद और शादी के पहले में कोई चेंजेस आया हो आपके, मतलब नींद वगैरह में और चीजों में, ऐसा तो कुछ नहीं है? जी नहीं, नींद वगैरह पहले भी, नींद वगैरह सही है सब सारी चीजें। कोई टेंशन वगैरह तो नहीं कि शादी के बाद में? नहीं हा? कोई टेंशन नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, सारी चीजें ठीक है। श्योर जी। अच्छा मैम एक चीज बताओ, जैसे स्कूल कॉलेज में जब आप रहते थे तो कभी यूरिन में आप पॉटी का प्रेशर वगैरह रोकने की आदत है, या मान लो किचन में काम कर रहे हो तो सोचते हो कि चलो ठीक है इस काम को निपटा लें फिर हम जाएं, कि लगते ही तुरंत जाते? ये सब बचपन में होते थे, ये सारी चीजें बचपन में होती थी, मतलब 6-7 साल पहले, मतलब रोकने की आदत थी बचपन में, छोटे थे तब। अच्छा। ये सब आदतें थी। क्यों रोकते थे, मतलब कोई जरूरी बहुत इमरजेंसी होती थी कि वो आदत से बन गई थी कि आया हुआ है चलो कुछ टाइम रोक लो? हाँ वैसे ही आदत, समझ नहीं थी मुझे उस टाइम। अच्छा क्या किया मैम पढ़ाई लिखाई में आप? मैंने ग्रेजुएशन किया, सिटी नर्सरी किया हुआ है, डिप्लोमा सर, मतलब नर्सिंग का डिप्लोमा किया है? जी नहीं, टीचिंग का डिप्लोमा है ये, प्री प्राइमरी स्कूल का। ओके प्री प्राइमरी स्कूल का आपने किया हुआ है। तो एक बात बताओ मैम, जब ये सारी चीजें मतलब प्राइमरी वगैरह में टीचिंग है या मतलब क्लास में खड़े होकर आप लोग टीचिंग, तो उस टाइम भी बैग रुकते थे कि बस ये अभी 6-7 साल पहले था? उस टाइम ये पुरानी बात है, अब नहीं, अब तो मतलब जब से समझ हुई है 6-7 साल से, तो मैं यही सोचते हैं पेट बस साफ हो जाए। अच्छा मैम ये बताओ मुझे, ये आपका पेट कितने दिनों से साफ नहीं हो रहा, मतलब कि कभी साफ हो रहा हो कभी नहीं साफ हो रहा, तो ये सिलसिला जो है ये कितने सालों से चल रहा है? ये मेरा टाइमिंग नहीं हो पाता, मैं दिन भर में एक ही बार जाती हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं निकल पाता। कभी कभी होता है मैं रेगुलर सुबह चली गई, कभी कभी जैसे कल मेरा, परसों मैंने कुछ नहीं खाया था तो कल मैं रात 11 बजे गई। मतलब कि रेगुलर में नहीं, ये आप मुझे बताओ, ये जो कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ रहता है या अब कॉन्स्टिपेशन का रूप ले चुका है, ये तकलीफ आपको पहली बार सबसे पहले कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? कब से है ये? एक साथ प्लीज दो तीन लोग ना बोले, साफ नहीं आती, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग। हाँ जी मैम। मैम पेट की दिक्कत मुझे लगता है शुरू से ही है ये दिक्कत। ओके इसीलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि अचानक आपको कोई चीज हो जाता है, आदतें बचपन से बनती हैं और आपके डाइजेशन का भी होता है अगर ध्यान दिया जाए। पेट रोगी जी, मतलब टाइमिंग मेरा कभी
नहीं हो पाया, मतलब मैं रूटीन ही नहीं बना पाई कि हाँ मुझे तो ये कॉलेज टाइम में, कॉलेज टाइम में ऐसा रहा कि स्कूल टाइम में भी ऐसा था मैम आपके साथ? स्कूल टाइम में तो और बुरी कंडीशन थी, एक जब और छोटे थे जैसे फिफ्थ क्लास में थे तो दो तीन दिन नहीं जाते थे, ऐसा होता था। ओके, आपके फादर डॉक्टर है ना मैम? जी जी। तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मतलब कि बच्चे को दो दो तीन तीन दिन तक पॉटी नहीं हो रही है, कि आप पापा को बताते ही नहीं थे? उन्होंने ध्यान दिया, मेरी पेट की समस्या, पापा बताते हैं कि मैं जब बहुत छोटी थी, जब मेरा बर्थ, मैं जब पैदा हुई थी, पापा ये ऐसा बताते हैं कि बहुत मैं वीक थी और मुझे एक एक हफ्ते तक पोटी नहीं आती थी, तो उस समय पापा ने बताया था कि डॉक्टर चित्रंजन वर्मा को दिखाया था फैजाबाद में, तो ऐसा वो बताते हैं कि मैं बचपन से ऐसा है मेरे साथ। ओके, तो एक तो हो गया मैम आपको बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन का, तो कॉन्स्टिपेशन रहता था तो फिर बचपन से ही आपको गैस हाउस बनना, पेट में दर्द होना, ये सब तकलीफ भी बचपन से रही होगी? पेट दर्द कभी नहीं हुआ है, पेट दर्द अभी हुआ है बस, पैसे मुझे दो से तीन साल पहले ऐसे मुझे कभी कभी ऐसे चीज सा मचलाना या अजीब सा मन हो जाना, और पेट में अजीब सा मतलब दर्द नहीं अजीब सा होना, तो उस टाइम पापा इंजेक्शन वगैरह देते थे, दवा वगैरह भी देते थे। ओके, और मैम सरदर्द वगैरह होना, ये सब चीजें? हाँ, सरदर्द तो मुझे अगर मैं ज्यादा सोच लेती हूँ या किसी चीज के बारे में डीपली तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है, बहुत ज्यादा। मैं मतलब जब मैं पढ़ती थी कॉलेज टाइम या स्कूल में बहुत ज्यादा प्रेशर से पढ़ लिया तो सर तो भारी हो गया फिर मेरा। नहीं, क्योंकि मैम देखो जिसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट नहीं साफ होगा, तो उसको सर दर्द की एक कॉमन तकलीफ होती है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अक्सर सर दर्द होता है ये मेरा, और बहुत ज्यादा ऐसा लगन करते हैं पेन किलर कोई ले लें। तो और जब आपको बचपन में तकलीफ हुई तो आपने ढेर सारी अंग्रेजी दवाएं वगैरह भी खाई है ना? मैं सो जाती थी अगर सर दर्द होता था, ऐसे विक्स बम वगैरह लगा के, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो सहन नहीं कर पाते थे तो पापा ही दवा दे देते थे। हाँ लो। ओके। सभी एक बार होता एक बार बताओ मैं। जी। आपको पीरियड किससे से शुरू हुए थे? मुझे लगभग कुछ याद है किस क्लास में थे? 2016 में किस क्लास में थे? 2016 में नहीं, सॉरी सॉरी मैं बता रही 2016 नहीं, मैं गलत बता रही हूं, 2009 में स्टार्ट हुआ था। 2009 में स्टार्ट हुए थे, तो फिर आपका जो पीरियड आते थे वो सही से आते थे, टाइम पर आते थे, उसमें कोई दर्द वगैरह तो नहीं रहता था? जी मैं बताऊं आपको, मुझे अगस्त में 8 अगस्त को आया, उसके बाद मुझे 3 सितंबर को, फिर उसके बाद 30 को आया, इतना दर्द था। नहीं कोई बात नहीं, 4-5 दिन पहले शुरू से ही आता था कि अभी ये चीज ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, ये शुरू से ही ऐसे ही था। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, हर इंसान की साइकिल अलग अलग होती है, 21 days to 35 days तक के वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे लोग का जैसे मान लो 21 days का भी आया, 25 days का भी आया, 30 days का भी आया, ये सब चीजें होते हैं। लेकिन अगर हो रहा है कि कभी 21 days पर आ रहा है, कभी 30 days पर आ रहा है, कभी 40 days पर आ रहा है, ये जो डिफरेंसेस होते हैं। जी मुझे एक बार ऐसा हुआ, शायद मुझे एक साल या 2 साल हुआ, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि मंथ में मुझे 2 बार आए, एक बार ऐसा। अच्छा तो क्या हुआ मतलब उस टाइम इंटरवल में कुछ याद है कि बहुत टेंशन लिया था कि कुछ खाने पीने में बहुत खट्टा तीखा मिर्ची मसाला खा रहे थे या बहुत जर्मी वगैरह कुछ खाया नहीं जाता है तो खट्टा तीखा, खट्टा तो मैं खाती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाते खट्टा, और हमारे घर में स्पाइसी तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता, तो सादा खाना बिल्कुल खाते सब लोग, तो वैसा ही खाना है। तो मैं वही पूछ रही हूँ, जो शुरू से आपका पीरियड आता था मैम, वो टाइम से आता था, कितने दिन आता था? जी बिल्कुल जी, मैं स्टार्टिंग जब मेरी हुई थी तो 6 दिन तक होती थी। 6 दिन होता था, एक दिन में लगभग कितना पैड बदलते थे आप? मैं एक मुझे तब पता नहीं थी, जी मुझे पहले इस चीज की नॉलेज नहीं थी, तो मेरा एक पैड 1 दिन पूरा चलता था।
ओके चले, मतलब इतना फ्लो नहीं होता था क्योंकि अगर देखो गीला हो ही जाएगा ना, नॉलेज रहे ना रहे, जब गीला बनता है सांस होगा तो इंसान चेंज कर लेगा। अब शादी के बाद मैं 3-4 बदलती हूँ। नहीं आप बदलते हो, मतलब वो पूरा गीला हो जाता है कि नहीं पूरा गीला हुआ रहता है, कि अब सिर्फ हाइजीन की वजह से 3-4 बदलते हो? हाँ हाइजीन की, मतलब एक हाइजीन की वजह भी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि गीला हो गया है। हाँ मतलब फ्लो ठीक है, मेरा कहने का मतलब मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपका फ्लो कैसा है। अच्छा मैम एक चीज और बताएंगी, जो आपके पीरियड का कलर है वो रेडिश रहता है कि रेडिश ब्लैक रहता है? अभी कि ब्लैक जी मैं बता रही हूँ, अभी मैं मुझे जब से इस 30 तारीख की बात कर रही हूँ, 30 तारीख को मुझे आया था तो मेरे पीरियड का कलर ब्लैक कलर था और ऐसे गाढ़ा गाढ़ा था, पेट में मतलब कि पेट और कमर में बहुत दर्द था उस टाइम और ऐसे गाढ़ा गाढ़ा। नहीं ये तो इस बार मान लो ऐसा हुआ, पहले मान लो इसके इस बार के केस के पहले 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले से आपके ब्लड का कलर रेड ही था कि 2-4 महीने से कलर चेंज हुआ था, रेड था, मतलब इसी बार ऐसा तकलीफ हुआ? थक्के वगैरह तो नहीं जाते हैं कभी ब्लड में जब ब्लीडिंग होती है, थक्के उक्के तो नहीं जाते? इस बार थक्के उक्के आए, उसके पहले तक ठीक था। अभी शादी आपकी मैम अप्रैल में हुई है ना? जी जी। तो अप्रैल में हुई है मतलब चौथा महीना, अभी 10वां महीना, अभी शादी को 6 महीने हुए हैं? जी 6 महीने हो गए। 6 महीने में कभी ऐसा हुआ है कि आपका मतलब महीना चढ़कर आया हो? चढ़कर मतलब? मतलब मान लो 25 दिन पर आना है, 30 दिन पर, 35 दिन पर आया हो? नहीं आगे नहीं पीछे ही आया है, जैसे मेरा डेट मतलब कम दिन पर आया, ज्यादा दिन पर नहीं आया। जैसे 8 अगस्त को आया, उसके बाद 3 सितंबर को आया, उसके बाद फिर 30 तारीख को आया, तो मैं क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ ना, जैसे मान लो अभी शादी को 6 महीने में, तो कोई प्रिकॉशन वगैरह तो नहीं यूज कर रहे हैं ना? कभी नहीं, नहीं अभी कोई प्रिकॉशन नहीं यूज कर रहे हैं। तो जब इस बार ये चीज हुआ था तो अल्ट्रासाउंड में वो चीजें आई हैं, मतलब कोई प्रेगनेंसी वगैरह का तो कोई वो नहीं था? जी कोई नहीं। अच्छा क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें भी हो जाती तो वहां पर भी इस तरह के मतलब कंडीशन अराइज होते हैं। तो पीरियड मतलब एक तरीके से मानूंगी शुरू से आपका पीरियड लगभग ठीक था, है ना? जी। पीरियड में कहीं कोई स्मेल वगैरह तो नहीं रहती थी? कभी ज्यादा स्मेल रही हो जब स्टार्ट में हुआ हो, मतलब मेनार्की के टाइम में? जी पहले मुझे स्मेल लगती थी स्टार्टिंग जब थी। ओके बाद में सब ठीक था? जी बाद में सब ठीक था। ओके और कोई तकलीफ मैम आपको रहती हो कि नींद अच्छी नहीं आती हो या गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो? नींद ऐसे कभी कभी होता नहीं है कि रात में जग गए फिर 1-2 बजे तक नहीं है, उसके बाद फिर सोते हैं, फिर 8 बजे तक सोते हैं, ये समस्या हमारी मतलब आज नहीं। तो वो तो दिनचर्या मैम मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत आपका भी हाथ है, आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना पहली ड्यूटी हमारी होती है, दूसरे लोग कोशिश कर सकते हैं बट उतनी नहीं होती है, आपको थोड़ा सा दृढ़ इच्छा शक्ति रखना पड़ेगा, दिनचर्या तभी व्यवस्थित कर पाएंगे। गुस्सा वगैरह कैसा आता है मैम आपको? गुस्सा ऐसे गुस्सा नहीं आता है किसी चीज को लेकर, नहीं जैसे गुस्सा आता है पी जाते हो या गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हो या गुस्से का एक अलग डायरेक्शन में होते हो? नहीं करने की आदत है, एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है मुझे, गुस्सा एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, आया तो गुस्सा इग्नोर किया है। जी जी ओके। और कोई तकलीफ मैम आपको लगती है? पेशाब सब ठीक आती है? हाँ वो सब ठीक है। नहीं जैसे इस बार इतनी तकलीफ हुई तो उस तकलीफ में ऐसा तो नहीं पेशाब में भी कोई प्रॉब्लम हुई हो इस बार? जी नहीं बिल्कुल नहीं। ओके और कोई मतलब और सारी चीजें ठीक है ना? जी और सारी चीजें ठीक है ना मैम? जी और डकार सी आती रहती है, जैसे कुछ खा लिया ऐसे डकार आता है, गैस की बनती है, भूख कम लगती है, मतलब ये कब से चल रहा है? नहीं बिना भूख के तो नहीं खाना है मैम, एक बात तो आप जान लीजिए कुदरत ने नियम बनाया है और वही नियम एप्लीकेबल है कि जब आपको भूख लगेगी तो खाना है, जब प्यास लगेगी तो पानी पीना है, ठीक है? बगैर भूख के नहीं खाएंगे, बगैर भूख के खाएंगे तो ये उर्दवात मतलब डकार कर ये सारी चीजें तकलीफ चलती रहेंगी।
ठीक है, हमारी तरफ से हो गया, और जिसको जो जो पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। अब हम कल करेंगे, टाइम हो गया हम कल बात करेंगे इनके। और शशि मैम, आप अंजना मैम को बधाई दीजिए, आज मैम ने कार लिया नहीं हो। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मिठाई खाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, अंजना मैम कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, है कि चली गई मैम, वही देखना पड़ेगा। मैं सबको मिठाई देना पड़ेगा, नहीं सर, नहीं ना। थैंक यू सभी लोग को, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली वो अचानक कुछ ऐसा प्रोग्राम बना था, मेरी एक पुरानी कार थी, मैंने कुछ एक्सचेंज करना था, उसलिए वो मैंने कार ले ली अचानक से। थैंक यू सब लोगों का, अच्छी बात है। आप लोग का प्यार आवाज में ही लगता है, आप लोगों से बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से मिलके बात करके, सच में बिल्कुल पक्की है। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग को इतना प्यार से समझाते हो ना, जैसे मतलब आप इतने बड़े तो नहीं, बट एक मदरली फिगर टाइप का, मतलब आप इतना केयर करते हो हम लोग का। थैंक यू मैम, थैंक यू, अच्छा लगता है। मैम आप जी, मैम आप हर साल नई कार चेंज करें। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम अगेन, ठीक है। अभी हम सेशन बंद करते हैं कल। हाँ बोलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आपकी निगाहों से कुछ छुपता नहीं है, कुछ भी नहीं, आप छुपा किसी का भी नहीं छुपता है सर। इतना दिल से खुशी हो रहा है कि अंजना मैम ने न्यू कार लिया, मैं सोचता था कि अनुरिता मैम कार लेती है, लेकिन अभी सब लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है सब लोगों पर सर, आप इतनी मेहनत करते हैं ना सब के साथ में, ये सारी चीजें आप ही की है, एक तरह से हम लोग का कुछ नहीं है, सब आपका है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा बता दिया सब लोगों को कि सब लोग बहुत सक्सेस हो रहे हैं और सब लोग बहुत खुश है आपसे, और सारी दुआएं सर आप ही को जा रही है, सब आप ही का है सर, सच में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। कौन सी ली है? एक्चुअली क्या था ना, मेरे पास एस्प्रेसो भी थी और मेरे पास एक पुरानी मारुति 800 थी, तो मैंने मारुति 800 को एक्सचेंज किया। 2003 में मैंने खरीदी थी, फिर वो बेकार हो रही थी ना, अब तो मारुति 800 चलती नहीं, एसी थी वो, तो फिर मैंने समय जो है मारुति से ही एक्सचेंज में लिया था, तो मैंने वो लिए सेलेरियो ली। उसका तो एवरेज कितना चलाते हो ना, मजा आएगा चलाने में। जी जी जी, सेलेरियो का सबसे ज्यादा एवरेज, सबसे ज्यादा अच्छा है। जी सर, बस यही सोच के लिया गया है, एवरेज सोच के लिया जाता है। जी सर, थैंक यू सर, सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर, प्रेयर रह गई। अच्छा, प्रेयर करना है, आप करिए तकदीर सिंह जी, कोई प्रेयर करना चाहता है तो कर दीजिए, नहीं तो हम सुबह करते ही हैं। नहीं, कोई नहीं करना चाहता, अभी हम सो जाते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।